हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त के फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 10th ऑफ जीके के क्वेश्चन जो 100% पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ये जीके के क्वेश्चन है आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है गाइज। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि हम SSC MTS के 10th ऑफ जीके के क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का 8 अगस्त का क्या था। तो पहला क्वेश्चन यही था कि जो वैभव यादव है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो बॉक्सर से संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा महल का आविष्कार किसने किया था, तो हवा महल का आविष्कार किया था प्रताप सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज है वो किस अनुसूची में आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो जो पंचायती राज है वो 11वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गांधीनगर से सांसद कौन बने थे, ठीक है, तो गांधीनगर से सांसद बने हैं अमित शाह, ये तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मस्तिष्क को कंट्रोल करता है वो क्या है, तो वो है सेरेबलम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए मस्तिष्क को कौन कंट्रोल करता है, तो सेरेबलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डॉल्फिन पार्क है बिहार में कहाँ स्थित है, जो डॉल्फिन पार्क है बिहार में कहाँ स्थित है, तो वो भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय नोटों में कितने भाषा का उल्लेख है, तो देखिए नोट से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो भारतीय नोटों में कुल 10 भाषा का उल्लेख होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा आई नो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोवा का नृत्य कौन सा है, तो गोवा का नृत्य है मोदनी गोफ, ठीक है, दस्तावतार, ये सब गोवा का नृत्य है, तो नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको देख लेना है एक टॉपिक वाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक पद राष्ट्रपति का होगा वह किस अनुच्छेद में आता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक पद राष्ट्रपति का होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक नए 10th ऑफ जीके क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।